हेलो गाइस, स्वागत है आपका। सो गाइस, जब भी म्योलनिर यानी थॉर के हैमर की बात आती है तो ज़्यादातर यही देखा जाता है, क्या सामने वाला वर्दी है? आखिर ऑल फादर ओडिन ने इसमें एन्चांटमेंट जो डाला था। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, क्या मैट टाइटन थैनोस म्योलनिर को लिफ्ट कर सकता है? सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं आखिर एन्चांटमेंट है क्या जो थॉर के पिता ओडिन ने इसमें डाला है। सो थॉर 1 में ओडिन ने ये कहा था, Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. जिसका मतलब जो भी इस हथौड़े को उठाएगा और अगर वो इस लायक है तो उसमें थॉर की शक्तियाँ समा जाएगी। तो अब सवाल है, क्या थैनोस इस लायक है? सो अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे, अरे थैनोस तो एक विलन है तो वो कैसे इस लायक हो सकता है? लेकिन गाइस, एक विलन होते हुए भी थैनोस ने कभी बिना मतलब के अपनी ताकत दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो तो आधी पॉपुलेशन को मिटाकर उन आधे लोग और इस ब्रह्मांड को संतुलित करते हुए ज़्यादा फलते और फूलते हुए देखना चाहता है। सो क्या अब म्योलनिर थैनोस को वर्दी मान ले इन बातों से? तो कहीं ना कहीं थैनोस के बारे में भी जानकर मैं या आप अभी भी ये नहीं समझ पाए, क्या अब म्योलनिर उसे वर्दी मानेगा या नहीं? तो अब हम थैनोस की तरह ही एक विलन हेला की बात कर लेते हैं, जिसने थॉर रैग्नारोक में म्योलनिर को रोका और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो यहाँ हेला मेरे मुताबिक इसलिए ऐसा कर पाई क्योंकि ओडिन के जाते ही मे बी ओडिन का जो एन्चांटमेंट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अक्सर हम देख चुके हैं एमसीयू में जब भी कोई चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका किया हुआ स्पेल या मैजिक ख़त्म हो जाता है, जिसका प्रूफ ये सीन है जहाँ इबोनिमो थॉर के ऊपर अपने मैजिक से ऐसा करता है, लेकिन थैनोस के साथ जाते ही यहाँ पर थॉर फ्री हो जाता है। दूसरी बात यह है, हेला ने म्योलनिर को नहीं उठाया बल्कि उसने म्योलनिर को खुद की तरफ आने से रोका है, जिसका मतलब वो उतनी पावरफुल है कि वो उसे रोक सकती है। सो यहाँ पर अब थैनोस की बात करते हैं। सो एमसीयू के अकॉर्डिंग थैनोस के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है या फिर कोई मैजिक स्पेल्स भी वो नहीं कर सकता है, लेकिन थैनोस के पास सुपर स्ट्रेंथ है। लेकिन सुपर स्ट्रेंथ तो हल के पास भी है, लेकिन वो नहीं उठा पाया म्योलनिर को बजाय एक सुपर हीरो होने के भी। सो इसीलिए यहाँ अब हम कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं। सो कैप्टन एक सुपर हीरो है जो लगभग हमेशा ही सच बोलता है, सिवाय इस बकी वाले बात को छुपाने के। लेकिन एज कम्पेयर टू थैनोस, कैप्टन के पास ऑब्वियसली थैनोस के मुकाबले सुपर स्ट्रेंथ कम है, लेकिन फिर भी कैप्टन म्योलनिर के लिए वर्दी है। वैसे अगर आप या मैं हमेशा कैप को देखते हैं तो हमें एक बात कैप्टन और थॉर में काफ़ी सेम नज़र आती है, जो है दोनों ना के बराबर ही झूठ बोलते हुए दिखे हैं। जहाँ थॉर 1500 साल से एक वॉरियर की तरह लड़ रहा है, वैसे ही कैप्टन भी पॉसिबली 80 या 100 सालों का है और वो भी काफ़ी हद तक एक योद्धा ही है, जो सुपर सोल्जर की पावर्स ना होने पर भी नेवर गिव अप और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हमेशा खड़ा होता है। वही थैनोस भी काफ़ी पुराना तो लगता है, लेकिन उसकी कोई उम्र हमें नहीं पता है, पर वो एक वॉरियर नहीं है, क्योंकि एक वॉरियर हमेशा खुद की जान देकर दूसरों को बचाने जैसी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन थैनोस दूसरों की जान लेकर आधी पॉपुलेशन को बचाना चाहता है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल ना करने तक कई प्लैनेट्स में खुद जाकर अपनी आर्मी के साथ लोगों को मार चुका है। और ऐसा काम ना ही थॉर ने या फिर कैप्टन अमेरिका ने किया है, बल्कि थॉर 1 में म्योलनिर के लिए वो वर्दी नहीं था काफ़ी देर तक, जब तक कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक बिना कोई गॉड लाइक पावर के डिस्ट्रॉय के पास आता है और गहरी चोट खाने के बाद ही म्योलनिर उसे वर्दी मानकर उसके पास आता है। लेकिन थैनोस अपनी बेटी तक को सेक्रीफाइस कर चुका है, साथ ही आधी दुनिया को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के स्नैप से या फिर अपनी आर्मी के साथ मिलकर लोगों को मार चुका है, जिसका मतलब थैनोस कोई वॉरियर नहीं थॉर की तरह, न ही एक अच्छा दिल रखता है कैप्टन की तरह, और न ही थॉर और कैप्टन की तरह ही खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे आता है। सो ये बातें कहीं ना कहीं ये प्रूफ है कि म्योलनिर थैनोस को वर्दी नहीं मानेगा, यानी कि थैनोस म्योलनिर को उठा नहीं पाएगा, चाहे वो वर्दी ना होने के वजह से हो या फिर ओडिन के पावर्स को ओवरपावर करते हुए अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर वो उसे उठा नहीं पाएगा। वेल, अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर म्योलनिर उठाता है तो उसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट में एक भी इन्फिनिटी स्टोन्स हो, और अगर बस यहाँ पावर स्टोन की मदद से ही थैनोस म्योलनिर को उठाने की कोशिश करता है तो वो डेफिनेटली म्योलनिर को उठा लेता उसमें एन्चांटमेंट लगे रहने के बावजूद, क्योंकि एन्चांटमेंट को तभी तोड़ा जा सकता है जब कोई उस एन्चांटमेंट लगाने वाले से ज़्यादा ताकतवर हो, और इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट में स्टोन्स हो और तब थैनोस म्योलनिर को उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे उठा सकता है। सो गाइस, ये थी वीडियो थैनोस और म्योलनिर से रिलेटेड, जहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की क्या थैनोस म्योलनिर को इन्फिनिटी गॉन्टलेट और बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के होल्ड कर सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के भी थैनोस म्योलनिर को उठा सकता है या नहीं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.